दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर रियलमी 9i एंड इसका करने वाला हूँ कैमरा टेस्ट इसी वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूँ, इसमें 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट का चार्जर है। तो स्पेसिफिकेशन इसकी काफ़ी सही है। टाइप सी इसमें आपको चार्जर देखने को मिलता है, आप 2 SIM 1 मेमोरी कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो। एंड दोस्तों मेन है हमारा यहाँ पर कैमरा, तो 50 मेगापिक्सल का दोस्तों कैमरा है जो कि आजकल सारे डिवाइसेस में आ रहा है। एंड 2-2 मेगापिक्सल की यहाँ पर डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल यहाँ पर आपको मैक्रो के लिए दिया गया है। अल्ट्रा वाइड दोस्तों यहाँ पर मिसिंग है। बात करें सेल्फी की, तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल की यहाँ पर आपको सेल्फी दी गई है। दोस्तों इसमें आपको एक्सपर्ट मोड दिया गया है, यहाँ पर स्लो मोशन भी है, एक्स्ट्रा HD है, अल्ट्रा मैक्रो यहाँ पर आपको दिया गया है, बाकी छोटे छोटे सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूँगा इसके वीडियो क्वालिटी की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रियर कैमरा से मैं इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे दोस्तों इसमें सबसे पहले लगा थोड़ी सी, दोस्तों जब EIS में आप वीडियो बनाते हैं तो हल्का सा ये ब्लरनेस आती है, जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा फ़ोन हिलता है हाथ से ही आप देख सकते हैं थोड़ा सा लगता है कि भाई डिस्टॉर्शन जैसी लग रही है। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे फील हुआ है एंड थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, उतना नहीं पर थोड़ा बहुत दोस्तों है। तो ये दोस्तों कुछ बैक कैमरे की यहाँ पर वीडियो क्वालिटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड डायनेमिक रेंज के लिए दोस्तों मैंने ये वाली वीडियो यहाँ पर कैप्चर की है, एंड इसमें आप देख सकते हैं जो डायनेमिक रेंज है वो मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लगी है इसके प्राइस के मुताबिक। एंड दोस्तों बात करता हूँ अब कुछ फ़ोटोज़ की। तो सबसे पहले मैंने एक HDR में यहाँ पर फ़ोटो निकाली है, एंड आप देख सकते हैं जो HDR में फ़ोटो निकल कर आती है उसमें डिटेल्स वगैरह थोड़ी सी एनहांस हो जाती है, एंड जो कलर्स है वो भी थोड़े से यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट ही हो जाते हैं। तो नॉर्मल है, जैसा दूसरे फ़ोन से आती है वैसा इससे आ रही है। बात करें ह्यूमन शॉट्स की, अगर दोस्तों बिल्कुल भी आप थोड़े सनी डे में फ़ोटो नहीं लोगे तो कुछ इस तरीके की आएगी। एंड दोस्तों ये ऐसी फ़ोटो आई है कि मेरे फेस पर बिल्कुल भी यहाँ पर फोकस नहीं हो पाया है, एंड मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो ये थोड़ी सी कमी मुझे यहाँ पर लगी है। बाकी बात करूँ 2x शॉट की, तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं अगर 2x तक आप यहाँ पर शॉट लोगे तो क्वालिटी उतनी ज़्यादा डिक्रीज नहीं होती है, लेकिन वही बात है अगर आपने यहाँ पर 10x जूम किया तो बिल्कुल बेकार सी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो डिजिटली जूम आपको यहाँ पर देता है। एंड उसके बाद बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सुबह के टाइम की फ़ोटो की, ये मैंने बिल्कुल मॉर्निंग में ली है। एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल मतलब काफ़ी अच्छी आप निकाल सकते हो रियलमी के फ़ोन से कुछ इस तरीके की फ़ोटोज़, क्योंकि यहाँ पर कलर बूस्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ पर निकल कर आई है। नेक्स्ट फ़ोटो में आप डायनेमिक रेंज यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी सारा स्नो पड़ा हुआ है पार, आप देख सकते हैं दूर पहाड़ियों में, तो वो यहाँ पर बिल्कुल कैप्चर हुआ है। एंड स्काई का कलर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो एज सच यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दी। दोस्तों अब मैं बात करूंगा यहाँ पर नाइट शॉट की, तो इस टाइम नाइट मोड ऑन है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लेम को मैंने कैप्चर किया है, एंड ये फ़ोन काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर लेता है इस प्राइस के मुताबिक। तो मुझे दोस्तों वैसे ठीक ठाक लगा है, जैसे Realme 8i है वैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बात करूँगा मैं यहाँ पर अब दोस्तों सेल्फ़ी कैमरा की, तो भाई सेल्फ़ी कैमरा ठीक है 16 मेगापिक्सल की हिसाब से, लेकिन जब से मैंने रियलमी के फ़ोन यहाँ पर यूज़ किए हैं तो फ्रंट कैमरा मुझे इतना अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि ओवर ब्राइटनेस यहाँ पर हो जाता है फेस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप HDR ऑन करते हो तो हाँ फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छी ये फ़ोटो ले लेता है, बिल्कुल थोड़ा क्लोज़ टू नेचुरल जाने की यहाँ पर ये कोशिश करता है। एंड ये इनडोर शॉट है इसीलिए ये थोड़ा अच्छा यहाँ पर आया है। बिल्कुल अगर आप यहाँ पर इसमें ब्यूटी मोड ऑन कर दोगे तो कुछ इस तरीके की आपको फ़ोटो देखने को मिलेगी, बिल्कुल आप अंग्रेज़ बन जाओगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इसमें ब्यूटी मोड वगैरह सारे रियलमी के फ़ोन में दे रखते हैं ये, एंड अच्छी बात है कईयों को यहाँ पर ज़रूरत होती है तो वो इसे यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों रियलमी 9i के फ्रंट कैमरे से आप कुछ इस तरीके की वीडियोज़ निकाल सकते हो। एंड अगर मैं अभी बात करूँ तो भाई थोड़ा सा यहाँ पर जो फेस है उसमें आपको क्वालिटी मेरे ख्याल से थोड़ी कम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी कम आपको क्लियरिटी देखने को मिलती है फ्रंट कैमरा से, एंड उतनी स्टेबल भी वीडियो यहाँ पर बन नहीं रही है जितनी बननी चाहिए। तो जैसे रियलमी के टिपिकल फ़ोन आते हैं आपको पता होगा इसमें जो कैमरा है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी मोड देखने को मिल जाता है, एंड उसको चाहे आप ऑफ भी कर लो फिर भी दोस्तों जो आपको थोड़ी स्किन टोन है कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। थोड़ी क्लियरिटी मतलब वैसे ठीक है, लेकिन जैसे आपको पता है मैंने काफ़ी सारे फ़ोन्स यूज़ कर लिए यहाँ पर, तो मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं इसका फ्रंट कैमरा। बाकी आप दोस्तों देख सकते हो तो कुछ इस तरीके की, एंड आप
जाने में क्रेन चेक कर सकते हो, ठीक सी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, लेकिन थोड़ा दोस्तों प्राइस ज़्यादा है और फ्रंट कैमरा उतना ज़्यादा अच्छा मुझे लगा नहीं है। तो एक बार मैं आपको वॉक करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी फ्रंट कैमरा से। दोस्तों एक दिक्कत और मैंने यहाँ पर जो इस फ़ोन में देखी है, अगर आप कोई भी फ़ोटो यहाँ पर जो मोशन में है उसकी फ़ोटो लेते हो तो बिल्कुल वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर थोड़ा ब्लरीनेस उसमें आ जाएगी, या अपन अपनी आप बात करो तो वो थोड़ी सी ब्लर यहाँ पर फ़ोटो आएगी। तो वैसे ये इस रेंज के फ़ोन में आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक।